बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं आपके साथ ये लुक शेयर करने वाली हूँ और मैंने किस स्टेप से किया है और बहुत ही इंस्टेंट में किया है, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी ए टू जेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नीम एंड तुलसी टोनर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर फेस सीरम या फिर फेशियल ऑयल कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फेस सीरम अप्लाई किया है और ये काफ़ी आपके फेस पर मॉइस्चर बनाए रखता है, काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज प्राइमर बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें अगर ज़्यादा देर तक मेकअप स्टे करना है तो प्राइमर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर प्राइमर मैंने लगाया है। इसके बाद जो है मैं स्विस ब्यूटी का यहाँ पर कंसीलर अप्लाई करूँगी अपने आई एरिया, जहाँ पे आपका डार्क एरिया है, डार्क सर्कल इस टाइप से, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो कंसीलर को। स्विस ब्यूटी का कंसीलर काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, तो ये मैं अप्लाई करूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैं फाउंडेशन, आप यहाँ पर लैक्मे का सीसी क्रीम या फिर फाउंडेशन कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पर चूज करूँगी लैक्मे का सीसी क्रीम ही, तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो जो आप चाहो। तो मैं यहाँ फेस फाउंडेशन में दिखा रही हूँ बट मैं वो नहीं लगाऊंगी, मैं यहाँ पर लैक्मे का सीसी क्रीम ही अप्लाई कर रही हूँ। तो इसी तरह से डैब डैब करते हुए आप अप्लाई कर लेंगे सीसी क्रीम को। इसके बाद यहाँ पर मैं फेस पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, लैक्मे का फेस पाउडर है ये ड्राई, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं लूज पाउडर को। लूज पाउडर से होता है कि आपका मेकअप सेट हो जाता है, मतलब जो आप फाउंडेशन से लगाए हो या फिर सीसी क्रीम लगाए हो उसको सेट कर देता है आपको अच्छी तरीके से। तो मैं अपने थ्रेडिंग को सबसे पहले सेट कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने लिया है, यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला मैंने आई शेडो पैलेट स्विस ब्यूटी का, एंड इसी से मैं लूँगी ये ब्राउन कलर, ब्राउन नहीं थोड़ा सा ब्लैक इसमें आता है, तो ये कलर मैं लेने वाली हूँ और इसी से मैं अपना आईब्रो को फिल करूँगी। तो आप आईब्रो पाउडर से भी फिल कर सकते हो, मैं इसी से फिल कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे पास एक्चुअली मेरे पास है नहीं अभी आईब्रो का फिल करने वाला, तो मैं इसी से फिल कर लेती हूँ, इससे भी आपको बहुत अच्छा फील हो जाता है। उसको कहते हैं जुगाड़ू काम, तो मैं जुगाड़ू काम कर रही हूँ, तो ये जुगाड़ू वाला भी काम कर सकते हो आप भी। और मैं जब से कर, पता नहीं मुझे क्यों अच्छा भी लगता है ये वाला आई शेडो पैलेट से मुझे करना बहुत अच्छा भी लगता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेप चिपकाऊंगी क्रीज बनाने के लिए, पीच कलर टाइप का जो है ये कलर मैं पिक कर रही हूँ और इसी से मैं अपना बेस बना लूँगी। तो मेरा बेस रेडी हो चुका है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक डार्क कलर अप्लाई कर रही हूँ। तो इसमें से आप देख सकते हो ये वाला डार्क कलर है ना, इसी को मैं अपने लास्ट अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी। मैंने बोथ इनर कॉर्नर पे डार्क शेड अप्लाई कर लिया है। अब इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी, मैं अपने ड्रेस से मैचिंग करता हुआ, मेरा जैसा ड्रेस जो है, मेरा लहंगा जो है ब्लू एंड ग्रीन में का मैचिंग है, तो मैं इसी को अप्लाई करने वाली हूँ। मैंने जहाँ पर डार्क अप्लाई किया है ना उस पर मैं ये ग्रीन टाइप का सीमर टाइप का कलर है जो मेरे ड्रेस में से कर रहा है, तो ये मैं अप्लाई करने ऊपर यही मैं अप्लाई करूँगी कलर। तो मैं अपने हाफ लिड पर ही अप्लाई करूँगी। तो ये मेरा हो गया है एंड मैं इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी थोड़ा सा ग्लिटरी का इफेक्ट, मैं दूंगी इस साइड में कॉर्नर पे, अपने इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा ग्लिटरी का इफेक्ट दूंगी जो कि इस कलर में आएगा ग्रीन कलर में।
स्मज कर लूँगी। तो अब मैं ब्लश कर लेती हूँ। आप यहाँ पर कंट्रोलिंग भी कर सकते हो, मैं कंट्रोलिंग नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ब्लशिंग कर रही हूँ। तो मैं अब फेसेस कनाडा का हाइलाइटर से हाइलाइट करूँगी। ऑरेंज कलर का लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। मैंने लिपस्टिक लगा लिया है और मैं अब मेकअप मेरा होता है फेस का कंप्लीट एंड। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये आई मेकअप? आप इसे पीकॉक आई मेकअप भी कह सकते हो क्योंकि इसमें ग्रीन एंड ब्लू उस टाइप का मैचेबल कलर है कि लग रहा है पीकॉक का कलर है। एंड वाइल्ड का फोटो फोकस का मैं लगा रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे, जिससे कि आपका मेकअप बहुत देर स्टे करेगा। तो 5 मिनट मेकअप स्प्रे लगाने वाला आप छोड़ दीजिए 5 मिनट, क्योंकि वो थोड़ा सेट हो जाए, इसलिए ऐसे भी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं हो रही हूँ करवा चौथ के लिए रेडी, तो मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। मैंने इस पर नेकलेस पहना है, इसका मैं डिटेलिंग वीडियो आपको देखना है इस नेकलेस के बारे में, तो आप मेरा चेकआउट कर सकते हैं वीडियो। ये मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से लिया है, इस वीडियो का लिंक मैंने शेयर किया था हॉल, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और ये ईयरिंग भी उसी के साथ था, तो आप चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये लुक मुझे ज़रूर बताइएगा। इसमें आप और भी कुछ इन्हेंस कर सकते हो, आप यहाँ पर मांग टीका भी लगा सकते हो। तो मैंने बस गजरा लगाया है, तो मैं इसका फुल लुक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग। सो गाइज आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ज़्यादा अपडेट पाने के लिए। ओके बाय।